प्रभदा तो दातार पर्यो जाचक इक सरना मिले दान संतुरेन जह लग भव जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बलो चराग अंधार में सब कल उधरी इक नाम धर्म प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुरु पार ब्रह्म साहिब श्री गुरु नानक देव मानवता दे बगीचे विच एक ऐसा फूल ने जिस नाल सारा बगीचा शिंगारे बगीचे दी रौनक बन गए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे आमद बारे इंज लिखे है, सम्मत 1500 जगत उदाहरण इस 1526 उस देव जी महाराज दा आगमन होया। पश्चत बाद जैसे सावन दे जद पापां दी तपश वध जाए तां फिर अकाल पुरख रहमत दे घर विच आके ज्ञान दी वर्षा करदा है, शांति दी वर्षा करदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन उस दौर विच इस देश दे अंदर होया है जद सारे दा सारा देश सियासी तल ते गुलामी दी जंजीरां दे जकड़िया होया सी, आर्थिक तल ते बिल्कुल कंगाल, धार्मिक तल ते बिल्कुल पखंडी और समाजिक तल ते बिल्कुल कल ते कलेश दी जिंदगी व्यतीत कर रहा सी। हर पक्षों मनुख जकड़िया होया, पकड़िया होया, बजे होया। समय दे गुजरन दे नाल इस जंजीरां बोझ बन दियां गईयां और इन्हें जंजीरां तो बोझल होके जीवा ने फरियाद की थी, जिसका दृश्य जनदेव जी महाराज इंज खिंचदे ने। कलमल होई मेदनी अरदास करे विल्लाए, क्लेश नाल पृथ्वी भर गई उसने जोदड़ी की थी, पकड़े होए गिरफ्त होए मनुख लई जोदड़ी प्रार्थना। दया दा पात्र समझ दे ते मेरे ते दया कर, जो उदड़ी निकलदी है कदी कदी समुची दी है तो उत्थे कौमी पद्धर ते जो उदड़ी आउंदी है अरदास, पर कदी कदी ऐसा होंदा है कि सारा बंधन विच पए होए समूह देशवासी फरियाद करदे ने, जोदड़ी करदे ने, तरले रहिंदे ने। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा लिख देने, कलमल होई मेदनी अरदास करे विल्लाए। संत कवि तुलसी दावी ऐसा कहना है, जब जब होए धर्म की हानि बहड़े असुर अभन अभिमानी, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा हरे कृपा निद सज्जन पीरा। बाड़े असुर अधम अभिमानी, जब दैंत वध जान असुर वध जान अधम मत दे लोकी वध जान, बाड़े असुर अधम अभिमानी तब तब विवद धर प्रभु शरीरा हरे कृपा निध सज्जन पीरा। उदों अकाल पुरख अपनियां दैवी शक्तियां किसे काया दे अंदर पाके जगत दा कल्याण करदा है, जीवां दा उधार करता है। दसम ग्रंथ देच भी ऐसे वाक मिलदे ने, जब जब होए अरिष्ट अपारा तब तब देहे धरत अवतारा। जब अरिष्ट पने नाल अनर्थ नाल सारी सृष्टि भर जाए उदों अवतारां दा आगमन होंदा है और होंदा रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे आमद दी दौर समय समुच्चे दा समुच्चा देश
सियासी तल ते गुलाम सी, आर्थिक तल ते कंगाल सी, समाजिक तल ते कल कलेश दी जिंदगी जी रहा सी, और धार्मिक तौर ते सिर्फ पखंड तो इलावा होर कुछ भी रह नहीं गया सी। इस तरह दा जकड़िया होया पकड़िया होया मनुख उदे सामने एको ही रस्ता रह जांदा है, जोदड़ी फरियाद तरले। तो देशवासियों ने तरले ले जोदड़ी की थी, फरियाद की थी उस परिपूर्ण परमात्मा दे अगों, जिसका जिक्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी बाणी च करदे ने। कलमल होई मेदनी अरदास करे विलाए, सच्चे सुनिया कन दे धीरक देवे सहज सुभाए, इंद्रे नू फरमाया उठा छह बरलाए, तप्पी हुई धरती नू वेख के अकाल पुरख ने इंद्र नू हुक्म कीता, बदला नू हुक्म कीता बरसो, इंद्रे नू फरमाया बरसो कृपादार। गुरु नू बदल नाल तशवी दित्ती है, प्रभु सागर है, गुरु बदल है। बदल सागर तो उत्पन्न होंदे ने, गुरु अवतार प्रभु तो आउंदे ने। सागर जब थां थां ते बरसना चाहुंदा है बदल बनदा है, नारायण जब नरां दा उधार करना चाहुंदा है तो वो शब्द बनदा है, गुरु बनदा है। तदी ते भट्ट कहिंदे ने आप नारायण कला आधार जग में परवरे हो। उस नारायण ने कला आधार के एकाया धारण की थी है, जगत दे कल्याण हित जगत दे उधार हित। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस तरीके नाल जगत जीवन दा उधार करन लई सन्नत 1526 विच राय भोई दी तलवंडी, हुण नाम ननकाना और अस्थान मुलक पाकिस्तान, उत्थे आप दा आगमन होया। जन्म साखी विच ऐसे बोल लिखे ने, सम्मद 1526 प्रगटे जगत उदाहरण ईस, कार्तिक रुत सर्द पूर्ण मासी, शुभ मुहूर्त शुभ लगन प्रगासी, अर्ध रैन बीती घट का पर, नानक जन्म लियो कालो घर। कत्तक दी पूर्णमाशी 1526 बिक्रमी संमत नू साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा राय भौं दी तलवंडी रिच माता तृप्ता जी दे कुखों पिता कल्याण दास जी दे घर आगमन होया, जन्म होया। सब तो पहले इस बालक दे दीदार तुलसादाई ने कीते, हैरान होई चकत होई। आज तक जितने बालक जगत विच आए रोंदे ही आए, ये पहला बालक है हसदा होया आया है, मुस्कुरांदा होया आया है। दरअसल जो रोंदे हुए आउंदे ने तो मिल जांदा है उन्हां तो इशारा, रोणगे रुलाणगे, पर कदी कदाई जो हसदे हुए आउंदे ने मुस्कुरांदे हुए आउंदे ने वो फिर जगत विच मुस्कुराहटा वंडदे ने, रोणियां नूं हासियां विच बदलदे ने, गमां नूं खुशियां विच बदलदे ने, बर्बादियां नूं आबादियां विच जो है बदलदे ने, निस्तो नाबूद इलाके नूं तामीरी रुचियां विच बदलदे ने। हसते हुए मुस्कुरांदे हुए इस बालक दी छवि वेख के तुलसां ते निहाल होई, गद गद होई। इतिहास विच इस दाई दा नाम ही अमर हो गया, क्योंकि उसने एक ऐसे बालक दे दर्शन कीते जो वास्तविक अमृतमयी सी, अमृत दा कुंड सी, जगत नु अमृत देन लई आया, जगत नु सुकून देन लई आया। और सुते सिद्ध ए दाई जो अक्सर बच्चियां नु
खिडांदी रही और बच्चियां दे जन्म समय मदद करदी रही। अज इस दे बालक दे अगों हथ जुड़ गए ने, अज ते निहाल होई है और निहाल भी होई है, निहाल होई है प्रार्थना करन लई। कहंदे ने जद अध्यात्मिक शक्ति अपने पूर्ण जोगन विच उजागर होवे अगला झुक जांदा है, झुक गई है तुलसा और इसनूं कुछ दैवी सुकून अपने अंदर महसूस होया। इसने बाहर आके दसिया भी ऐसा बालक में देखे है, हैरान होके मैं आखांगी इते चन वर्ग है, इते सूरज वर्ग है, इते जगत दे हनेरे नू दूर करन लई आया है। ठीक लिखे है भाई गुरदास जी ने, जग अरदास जगत दे जीवा ने अकाल पुरख ने सुनी, जगत दे जीवा दी फरियाद जोदड़ी नू उस प्रभु ने सुनिया, सुनी अरदास दातार प्रभ गुरु नानक जग माए पठाया। फिर गुरु नानक जैसी अजीम शख्सियत नू जगत दिच भेजे। अद्धी रात जद बितीत हो गई, अमृत वेला आरंभ होने लगा है, एक अमृतमयी मूर्ति दा आगमन तृप्ता जी ने कुखों होया है। अर्द रैन बीती घट काबर, नानक जन्म लियो कालू घर। प्रात भई प्रोहत बुलवाया, हरि दयाल ते नाम सुहाया। बेदी परंपरा दे मुताबक और देश दी प्राचीन संस्कृति दे मुताबक प्रोहत जी नूं बुलाया गया। हर दयाल प्रोहत बड़े सील सुवादा सी, रब्बी पहवाला सी और इल्मे नजूम देच ज्योतिष विद्या देच भी माहिर सी। आके बालक नूं देखे है, गोदित जो है ले है और आमद दा समा पिता कल्याण दास ते दाई तो पुछे है। सारी जानकारी लेन तो बाद प्रोहत जी शुभ बचन अलाया, ए बालक रायन सिर राया। ए बच्चा ते कोई बादशाहां दा बादशाह आया है, कोई दैवी संपदा दे नाल माला माल, अध्यात्मक गुणां दा खजाना लेके आया है। इते कोई रब्बी महक लेके आया है, इते कोई रब्बी नूर लेके आया है। ए बालक रायन सिर राया, ए बालक जोगन सिर जोगी, ए बालक है परम वियोगी। इते जोगियां दा कोई सिरमौर जोगी है, इते बादशाहां दा कोई सिरमौर बादशाह है। ए बालन नाथन सिर नाथ, इस बालक की अगम अगाथ। छत्रपति हैं तिसके दास, ए बालक शुभ गुण की रास। ए बालक ते शुभ गुणा दी खान है, जगत दे छत्रपति जगत दे सिरमौर मनुख, जो इलम दे सिरमौर होणगे, धन दे सिरमौर होणगे, सता दे सिरमौर होणगे, इना दे सिर इस बालक दे कदमां ते झुकदे रहणगे। वो इस बालक दी परिक्रमा करणगे, वो इस बालक दे अगों हथ जोड़ के खड़े होणगे। हरि दयाल दी ए भविष्यवाणी, हरि दयाल दे ए बोल दरअसल उस आने वाली घटना दा खाका खिचदे सन जो बिल्कुल सही उतरिया, जिसका चित्र बिल्कुल सही बनिया। बालपना तृप्ता जी दी गोद विच बतीत होया, तुलसा लाई दी गोद विच बतीत होया और राय भौं दी तलवंडी दी छोटी जी हवेली पिता कल्याण दास दी उदे वेड़े च बतीत होया। पर इस तरह दा नूर कदी वेड़े च रह सकदा है, कदी कमरे दे च रह सकदा है। पैरां ने चलना सिखिया, गुणा ने वधना सिखिया, हत्थां ने हिलना सिखिया,
रब्बी महक ने उछलना सिखाया। आप घर तो बाहर की आए, मानो जगत विच नूर आ गया, सुकून आ गया, शांति आ गई। छोटे छोटे बच्चिया दा संग, अक्सर बच्चे बच्चिया विच खेडदे ने, छीना झपदी हुंदी है, लड़दे ने, लड़ांदे ने बच्चिया दी दुनिया। पर इह ते कोई अजीबो गरीब बच्चा आया है, खेडण विच रुचि नहीं, खिडाण विच रुचि नहीं, जपण विच जो रुचि है, नाम जपाण विच रुचि है। दूरदृष्टि ऐसी कि मासूम बच्चियां दी सुभावक फितरत ते खेडण दी आउंदी है, इन्हां दी खेड दे ते बंदगी दी मोहर लाई है। गुरुद्वारा बाल लीला साहब करके ननकाणा साहब दे मौजूद है। गुरु नानक दी आमद करके राय भवन दी तलवंडी दा नाम ननकाणा साहब पै गया। उंज पूरा लवज है नानक आणा, जिस धरती ने नानक नू लियांदा, राय भौं दी तलवंडी ने नानक नू लियांदा, नानक नू बुलाया, नानक आणा। तो इंज प्रचलित शब्द हो गया ननकाणा। बच्चियां च खेडदे ने, खिडांदे ने, पर बोलदे की ने सतनाम सतनाम सतनाम, जपदे ने जपांदे ने। इस ढंग नाल खेडना कि खेड बंदगी बन जाए, इस ढंग नाल खेडना कि खेड इबादत बन जाए। खेड नू इबादत बनाया तदी ते खेडन वाली दांत है। इतना शानदार गुरुद्वारा बनया जिथे हमेशा सत्संग होंदे रहे। लोगी बालक गुरु नानक दी छवियां तो, उस बाल लीला तो, उस प्रभु दी लीला दा ज्ञान लेंदे रहे, ईश्वरी सिद्धांतां नू समझण दी कोशिश करदे रहे। बचपन ऐसी खेडां विच बतीत होया जो वास्तविक खेड नहीं सी, बंदगी सी, जो वास्तविक खेड नहीं सी, इबादत सी। कदम थोड़े होर वधे और हाथ थोड़े होर उमड़े, निगाहां जरा होर दूर गईयां, तो पिता कालू जी दी सोचनी बालक नू पढ़ने पाई है। आपने मौलवी दे कोल पाया गुरु नानक देव जी महाराज नू फारसी पढ़न लई। फारसी दी जिहड़ी मुहारनी है ओ अलफ तो आरंभ होंदी है। ते जद मौलवी ने तख्ती ते अलफ लिखिया ते गुरु नानक नू आखिया अलफ, ते गुरु नानक बोल पे मौलवी जी अलफ दे मैनी। ते पहला ही बच्चा सी और इस तरह दा पहला सवाल मौलवी दे सामने जिसने अलफ दा मैना पुछिया होवे। पहली दफा मौलवी नू भी पता चलिया कि मैने ते मैं भी नहीं जानदा जदके मैं पढ़ा रहा। कहन लगा नानक जी अलफ दे कोई मैने नहीं, अलफ बेमैनी है। हां बेमैनी है, ये दो चार अल्फाज जद जुड़दे ने और पूरा अल्फाज जद बनदा है उस दे ते कोई मैने होंदे ने। अलफ दे कोई मैने नहीं, नहीं। तो एकदम नानक जी खड़े हो गए, मौलवी जी फिर बेमैनी अलफ मैं नहीं पढ़ना। मजबूर होके पिता कल्याण दास जी ने पंडित पास बिठाया भी चलो इत्थे प्रचलित भाषा उदी मुहार नहीं सीखे। उस जमाने जो प्रचलित भाषा सी, नाम उसदे अनेका सन, अज उसनू गुरमुखी आख्या जांदा है, पंजाबी आख्या जांदा है। पांडे ने पूरा ऐड़ा लिखिया है और नानक नू पढ़ाना आरंभ कीता है और आख्या नानक जी पढ़ो पूरा। इत्थे ही सतगुरु दा ओही प्रश्न, पांधा जी पूरे दे अर्थ पहले अर्थ दसो फिर मैं
पढ़ा, फिर मैं समझा, फिर मैं लिखा। इत्थे भी पुरोहित जी ने उही कुछ आख्या जो पहले मौलवी ने आख्या। नानक जी, ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं, दो चार शब्द जद जुड़दे ने ते पूर्ण जद शब्द बनदा है उसदे ते अर्थ हुंदे ने। इस एक शब्द दे अर्थ नहीं ने, इस एक अल्फाज दे अर्थ नहीं ने। तो ऊड़ा बेअर्थ है, हां बेअर्थ है, तो बेअर्थ ऊड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ऐड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ईड़ी मैं नहीं पढ़नी। खड़े हो गए, हैरान है पुरोहित, हैरान है ए पांदा, अजीबो गरीब बच्चा है, एक एक अल्फाज दे अर्थ पूछदा है। गरजदी हुई आवाज दे जद पांदे ने आख्या, बालक थोड़े पिता ने मेरे कोल थानू भेजे है पढ़न लई, ना के तर्क करन लई, ना के पढ़ान लई, तुसी पढ़ो। नानक जी कहन लगे, मैं कदों इनकार कीता है पढ़न तो, मैं तो पढ़ना चाहना, मैनू दसो ऊड़े दे अर्थ अगर हैगे न ते मैं पढ़ा, ते जे अर्थ ही नहीं ते मैं क्यों पढ़ा। कल्ले ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले ऐड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले सस्से दे कोई अर्थ नहीं। नानक जी कहन लगे, पांडा जी इत्थों गल स्पष्ट हो गई, अर्थ थानू आउंदे नहीं, वरना हर अखर दे अर्थ ने, बेअर्थ कोई अखर नहीं, ते हर अखर किसे दिशा दी तरफ संकेत करदा है, कोई इशारा करदा है, और उस अखर तो चंगे इशारे लए जा सकदे ने, माड़े लए जा सकदे ने। की अर्थ ने? उत्थे बैठ के जो गुरु नानक ने इस मुहारनी दे अर्थ लिखे, इन्हां अखरां दे अर्थ लिखे, उसदा नां पट्टी पै गया, और ए गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्ज है। आसा महला पहला पट्टी लिखी, बालक गुरु नानक ने अज तख्ती लिखी, अज पट्टी लिखी। एक एक अखर की संदेश दे रहा है, की उपदेश दे रहा है, किस पासे दा इशारा कर रहा है, और किधर दा संकेत दे रहा है। सस्से सोए सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रह चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया। सस्सा ऐ पांडा जी ये उपदेश कर रहा है कि सारी सृष्टि उस प्रभु ने साजी है, और जो सेवा दिच जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके सिमरन दिच जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके जो सेवा दिच जुट गए, संसार ते आया उन्हां दा सफल होया। की पढ़िया उसने सस्सा जिसने सेवा ना कीती, सिमरन ना कीता। पांडा जी एक एक अखर प्रेरदा पे है, एक एक अखर किसे दिशा दी तरफ संकेत करदा है। ते पांडा विस्माद होया है, आश्चर्यता दी दुनिया च खो गया, कि छोटा जिया बालक इतनी अगम्मी गल, इतनी अथाह गल, इतनी बुलंद गल। एक हाथ नाल गुरु नानक दी बांह पकड़ ली, दूजे हाथ नाल गुरु नानक दे चरणां नूं छोया है। बालक नानक कहिंदे, पांडा जी तुसी मेरे पैर छूंदे हो? हां, इस वास्ते छूंदे हां कि पैर प्रभु दे मार्ग ते ने, ये हाथ मैं इस वास्ते पकड़िया है, इन्हां हत्थां विच प्रभु दा दामन है, प्रभु दा पल्ला है। बांह पकड़ के ये पांडा पिता कल्याण दास पास ले गया, ते कालू जी समझ गए, पांडा जी थोड़ा चेहरा दसदा पे है कि गुरु नानक थोड़े कोल भी पढ़ नहीं सके, जैसे कि मौलवी कोल नहीं पढ़ सके। मौलवी भी गिला ही करन आया सी, तुसी भी गिला ही करन आए होगे? नहीं, मैं गिला करन नहीं आया,
मैं ते पटवारी जी ए दसन आया कि गुरु नानक कोलों पढ़ लेना चाहिए। ये पढ़न लई नहीं आया, ये जगत नूं पढ़ाण लई आया है। मैं ते थोड़े जिहा बोलना दे ची अज बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है। और पिता कल्याण दास नूं संबोधन करदे आया पांडा कहिंदा है, मैं ते अज पढ़ा लिखा बनया, नहीं ते मैं इतनी जिंदगी अनपढ़ता विच बतीत कर दित्ती। अज मैनूं दस्सिया है बालक नानक ने कि एक एक अखर किस दिशा दी तरफ संकेत करदा है। अज पता चलिया कि सस्सा पढ़िया होया उस मनुख दा बेमै नहीं है जिन्हें सिमरन नहीं कीता, जिन्हें सेवा नहीं कीती, जिसका चित प्रभु विच जो है नहीं जुड़िया। एक एक अखर शुभ गुणा दी तरफ प्रेरदा है, एक एक अखर प्रभु दे मार्ग दी तरफ जो है प्रेरदा है। साहिब गुरु नानक जिथे बैठदे ने बैठण नाल ओ थां इबादत गाह बन जांदी है, धर्म मंदिर बन जांदी है। कि ठीक ही आखिया गया, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। आप घर विच खेडदे सन, घर मंदिर बन गया सी। आप बच्चियां नाल खेडदे सन तो खेडण दा स्थान मंदिर बन गया। अपने पांडे कुल विद्यालय विच शिक्षा प्राप्ति दी थां ते जब शिक्षा दित्ती तो विद्यालय भी मंदिर बन गया, धार्मिक मंदिर बन गया, प्रभु दा मंदिर बन गया। दरअसल गुरु नानक जिथे बैठदे ने बैठण नाल ही धर्म मंदिर उसर जांदा है, धर्म दी चर्चा हुंदी है, धर्म दा आदान प्रदान हुंदा है और धार्मिक गुण दूजियां दे अंदर उजागर हो जांदे ने। वास्तविक आप चलदे फिरदे धार्मिक मंदिर सन। पर पिता निराश होए क्योंकि प्यो दे अंदर एक मोह भी आंदा है, ममता भी आंदी है और पिता बच्चे प्रति ये चिंता भी रखता है कि उसका भविष्य उज्जवल होवे, उसका भविष्य महान होवे। ये ठीक है कि संत भावे पूजे जांदे रहने सड़े देश दे धार्मिक बंदियां दा सत्कार रहा है, लेकिन दिलों कतई मनुख ने ऐसा नहीं चाहा कि मेरे घर कोई संत पैदा होवे, कोई भगत पैदा होवे। उसका एक कारण भी सी कि इतने भेखदारी संत होए और उना कारण इतने बच्चे रुले, इतनिया स्त्रियां दे सुहाग रुले और इतने मां बाप दी ममता कुचली गई कि पुत्र संत होवे ये मां बाप दी चाहत ही ना रही, ये पत्नी दी इच्छा ही ना रही। लेकिन जगत गुरु बाबा एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष, आम जगत दी तरह पिता कल्याण दास भी दुखी ने, माता तृप्ता जी भी दुखी। सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। बालक गुरु नानक देव जी ने हुण जैनवानी दी दहलीज ते कदम रखे। पिता नूं दो चिंतावां असवार होईयां, एक कम कार दी, एक व्याह दी। पढ़न तो गुरु नानक देव जी महाराज नूं असमर्थ समझ के पिता कल्याण दास ने फैसला कीता, कोई कम धंधा देईए। चलो जितने तक कम धंधे बारे सोचते हैं ये घर का ही कम कर लवे। मझा सन घर बांस का सोटा गुरु नानक देव जी महाराज नू पकड़ाया और आख्या, नानक जी ये मझा ही चार लिया करो। ले गए ने गुरु नानक देव जी महाराज मझा नू, प्यार नाल ले गए ने, प्यार नाल चरा रहे ने, सोटे नाल नहीं हाकदे, सोटा नहीं मारदे। रुख दी छां थले बैठे ने हरी हरी बनस्पति और आसमान दे बदल प्राकृतिक स्वप्न नो वेख के आप दैवी सुंदरता दिच खो गए, प्रभु दे स्वप्न दिच लीन हो गए, समाधि लीन होए।
होया कि मज्जां घा चर गईयां और कुछ जमींदारां दी खेती भी चर गईयां। और जद खेत दे मालकां ने पिता कल्याण दास पास आके फरियाद की थी कि कैसा थोड़ा बालक है, आप ते किसे अगम्मी तो नीच लीन हो जांदा है, मज्जां दी देख रेख नहीं करदा और मज्जां साड़ी खेती बर्बाद कर गईयां ने, उजाड़ गईयां ने। ते जद पिता कल्याण दास जी ने देखिया पढ़ भी ना सकिया, इता घर दा काम भी करन तो असमर्थ है, नानक नू गिला कीता, जमींदारां दी जमीन उजड़ी है, खेती खा लई है मज्जां ने, तुसी देखिया नहीं। साहब कहन लगे वास्तविक जो इन्हां दी खेती सी वो कोई भी नहीं खा सकता। मनुख खुद सोचे हर एक दी प्रालवत दी अपनी अपनी खेती है, कतई दूसरा नहीं खा सकता, कतई तीसरा नहीं खा सकता। इस बैरूनी घटना तो अध्यात्म ज्ञान गुरु नानक देव जी महाराज शिकायत करन वालियां नू देन लगे, अपने पिता नू देन लगे, दोहां दी समझ दिच गल नहीं आई। आदकाल तो ऐसा हुंदा रहा है, और ए भी सियाणे कहिंदे ने कि अवतारी पुरशां तो उन्हां दे मां बाप ने कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि ममता दी दृष्टि नाल वेखदे ने। श्रीका ने कदी लाभ नहीं उठाया क्योंकि बराबरी दी दृष्टि नाल देखदे ने। लंगोटी यारा ने कदी अध्यात्मक ज्ञान नहीं लिया क्योंकि वह भी बराबर का हिस्सा समझते ने। और दुश्मना ने भी कदी लाभ नहीं उठाया क्योंकि उनके अंदर ते वैर होंदा है, बदले की भावना आती है। यही कारण है कि बेदी ताने मारते रहे पिता कल्याण दास नू, शरीक औखे आते रहे, और लंगोटिए यार भी कहन नानक नू की हो गया है। इदी अखां हर वक्त नशाइयां रहिंदियां ने, इदा चेहरा हर वक्त इस जगत तो उखड़िया उखड़िया लगता है, इस दे कदम किसे होर पासे ही गतिमान दिखाई देंदे ने। दुख तो के पिता कल्याण दास ने अज 20 रुपए हथेली ते रखे, आख्या पुत्र नानक मज्जां तू नहीं चार सकिया, मौलवी कोल तू नहीं पढ़ सकिया, पांदे कोल तू नहीं पढ़ सकिया, हुण तू कोई कम धंधा करे हैं ते फिर मैं तेरा घर वसावा, फिर मैं तेरा व्याह करा। हथेली ते रख के पिता कल्याण दास ने कहा इना 20 रुपया नू 40 रुपया च बदलना, बाले नू नाल तोर के नौजवान गुरु नानक वपार लई चल पए ने। अज वाकई ऐसा वपारी जा रहा है वपार करन वास्ते जिदी दृष्टि विच वपार करन दी वस्तु सच है, सच नू विहाजना, सच नू खटना, सच नू देना, सच नू लेना। चलदियां चलदियां की देखिया रस्ते च कोई 15-20 साधु 3 दिन दे भुखे बैठे ने, संतोख करके ते त्रिपत सन पर पेट करके भुखे सन, अध्यात्मक गुणां करके ते मन रजिया होया सी पर भोजन न मिलन करके तन भुखा सी। बैठे गुरु नानक उना दे कोल, रब्बी चर्चा होई, रब्बी वार्तालाप होई, भोजन संबंधी जद गुरु नानक देव जी महाराज ने पुछया तो उन्हां साधुआं दा जो मुखी सी संत रेण कहन लगा बालक भोजन ते अज 3 दिन हो गए, जैसे प्रभु दी इच्छा।
एकदम बाले नु पैसे पकड़ाए, घ्यो मंगाया, आटा मंगवाया, सीधा मंगा के स्वादिष्ट भोजन तैयार होया। और आज बाबा जी धन गुरु नानक देव जी आप लंगर वंडन लगे ने, साधुआं दी पंगत वंडन वाले गुरु नानक, रज रज के भोजन छके है साधुआं ने, तीन दिन दे भुखे, बाद दे जो बचे है वो आप पान कीता है, पर वी दमड़े ते खर्च हो गए सन, जो थोड़े बचे वो साधुआं नु उंज भेट कर दिते, खाली हथ वापस आ रहे ने, हिरदे दी झोली परोपकार दे गुणा नाल भर गई, प्रभु दी बख्शिश नाल भर गई, पर हथों भी रुपए चले गए, बाला भी उदास है कि पिता कल्याण दास गुस्से होणगे, औखे होणगे, मनुख धन दी हानि बर्दाश्त कर नहीं सकता, और धन दी वड्डी हानि दिमागी संतुलन भी डावाडोल कर देंदी है। बाहर आप खूते बैठे, बाला जी गए ने घर, जद पटवारी जी नू दसिया कि पुत्र नानक थोड़े बाहर खूते बैठे ने, पर वो 20 रुपए लुटा आए ने, साधुआं नू खिला आए ने, तप गया हिरदा पटवारी जी दा, अपने आप नू संभाल नहीं सके, गुस्से दे जद चले घरों, तो बहन नानकी भी पीछे चल पई, वे बापू तपे हुए जा रहे ने, गुस्से जा रहे ने, सारी वार्ता बहन नानकी ने सुन ली सी, और जद कोल जाके पूछया 20 रुपए किथे ने, पिता जी तुसी व्यापार लई कया सी, सौदे लई कया सी, मैं सौदा कीता है, मैं व्यापार कीता है, पर सच्चा सौदा कीता है, सच्चा व्यापार कीता है, खिच के दो थप्पड़ मारे, नानकी ने रोके ने हथ, जिथे सच्चा सौदा कीता बरकतां भरिया अस्थान, सच्चा सौदा अज भी उत्थे बने होया है, और उत्थे सच दा सौदा अज भी होंदा है, ए अस्थान भी शेखुपुर तो थोड़ी जिया दूरी थे पाकिस्तान विच रह गए, लेकिन सच दा सौदा अज भी उत्थे होंदा है, नानकी ते नानक दे जिथे नामां दी सांझ सी, उत्थे आत्मा दी भी बड़ी गहरी सांझ सी, या इंज कह लो नानक नू समझे आई नानकी ने, नानकी ने हमेशा एक रहबरी पुरुष दी तरह नानक जी नू वेख्या, पिरा ते सन, ममता ते सी, पर जद गौर नाल वेखदी सी गुरु नानक नू, तो जो रूहानी दौलत मिलदी सी, रूहानी छवि अंदर प्रगट आउंदी सी, उस तों ओ वीर नानक नू अंदरों ही अंदरों गुरु नानक तस्लीम कर बैठी, रब्बी नूर रब्बी नानक तस्लीम कर बैठी, पिता नू ठंडा करके आखिर समझाया किसे होर कम धंधे विच नानक जी नू पाने आ। नानकी जी दे पति जय राम उन्होंने आखिर सुल्तानपुर विच बुला भेजे, सुल्तानपुर दे नवाब दे मोदी खाने दी मुलाजमत प्राप्त हुई, इत्थे भी आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटना घटदी सी जिस दे नाल लोकी कारिन दे नवाब दे कन भर दे सन। एक दिन ते अजीबो गरीब घटना घट गई, आप करिंदिया नू नवाब दे सिपाहिया नू अन्न तोल के दे रहे सन,
15 धड़ी अनाज देना सी किसे नूं। 1, 2, 3, 4 इस तरह गिणदे गए, अनाज देंदे गए। और जद आए 11, 12, 13 तो 13 ते रुक गए, फिर तोलदे ही गए 13, 13, 13। 13 भाव एक हिंसा है, गणित है, पर इसने वाकई 13 नाल ही जोड़ दिता, प्रभु नाल जोड़ दिता। धंधा भी गुरु नानक दा धर्म सी, और धंधा भी धर्म दी रुचियां नू जकड़ नहीं सकया। धंधे देच भी गुरु नानक देव जी महाराज ने धर्म नू जोड़ दिता। इत्थे ही एक होर अजीबो गरीब घटना घटी। आप अपने एक चाकर दे नाल, मुसाहिब दे नाल वही नदी ते आए, रोज आउंदे सन, इशनान करदे सन, तट ते बैठ के भजन करदे सन, पर अज अलोप हो गए। तोलन लगे सारे, लभन लगे सारे, नवाब ने मछुआरे बुलाए, जाल पाया गया वही नदी च, कितरे गुरु नानक डुबना गए। उन सारे ने यही सोचा डुब गए ने किधरे। इक्को ही बहन नानकी अपनी थां ते दृढ़ रही, नहीं जो जगत नू तारण ले आया है वो पानी दिच डुब जाए मन नहीं मनदा, वो नहीं डुबे। आखिर 3 दिना तो बाद प्रगट होए, जैसे मिराज ते जाके मोहम्मद साहब नू अलहाम होया, जैसे कोहतूर ते जाके मूसा नू अलहाम होया, जैसे जॉर्डन नदी दे तट ते बैठ के हजरत ईसा दे मन विच रब्बी ज्ञान फुटिया सी, जैसे गया विच बोर्ड दे वृक्ष दे थल्ले बैठ के महात्मा बुद्ध अगम्मी दुनिया विच खो गए, इस तरह वही नदी तो बाहर निकल के साहिबां दे मुखारबिंद तो जिहड़े बोल निकले, उसी एक 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 ओवंकार, ये पहला ब्रह्म नाद सी जो गुरु नानक दे कंठ तो प्रगट होया। ये पहला उद्घोष सी जो जगत दे सामने गुरु नानक ने रखिया। ये पहली ब्रह्म विचार सी, ये पहली ब्रह्म बाणी सी जिसने गुरु नानक दी रसना नु छोया और गुरु नानक दी रसना तो प्रगट होई। नवाब ने ये बोल सुने, एक नानक जी अगर एक ही है, वाकई कोई भेद नहीं, 2, 3, 4 नहीं, राम ते अल्लाह विच कोई भेद नहीं, सब एक ही है, तो चलो साढ़े नाल मस्जिद विच अज जुम्मा है, जुम्मे दी नमाज पढ़ो। नानक जी ने इनकार नहीं कीता, चलो पढ़ दें। हिंदू जगत विच सुल्तानपुर विच हैरानगी छा गई, गुरु नानक मस्जिद दी तरफ। दरअसल मंदिर ते मस्जिद दी इतनी दूरी है, उसे कारण करके हिंदू ते मुस्लिम दी दूरी है। कोई मंदिर अगर मंदिर तो दूर होवेगा तो उस मंदिर विच जान वाले मनुखता तो दूर होणगे। मंदिर ते मस्जिद दी दूरी दस रही सी हिंदू ते मुस्लिम दी कितनी दूरी है, विचकार कितना पाड़ा है। साहिब चले गए, कतार विच सारे नमाजी खड़े ने, नमाज नवाब भी पढ़ रहे है, इमाम पढ़ा रहे है, पर गुरु नानक खड़े रहे। नमाज तो फारग होके नवाब ने गिला कीता है, तुसी नमाज ते ना पढ़ी, तुसी कहंदे सी सब एक है, सब एक है। साहिब कहन लगे, किस दे नाल नमाज पढ़दे, तुसी ते काबल विच घोड़े खरीद रहे सी, ते घोड़े खरीदण वालियां दे नाल मैं नमाज पढ़ा, कोई नमाजी होवे ते नमाज पढ़ा,
सब अपने अपने धंधे च लीन सन। तुसी काबल दे च घोड़े खरीद रहे सी के नहीं? तस्लीम कीता। उस नवाब ने हां, नमाज पढ़दे आया मेरे अंदर फुरने यही सन, विचार यही सन, तो घोड़े खरीदने वालियां दे नाल मैं किस तरह नमाज पढ़ा। वही नदी दे तट ते आए ने, इत्थे ही जपजी साहब दियां कुछ अगम्मी पौड़ियां आपदे कंठ तो निकलियां ने, इत्थे ही कुछ ब्रह्मनाद प्रगट होए ने यादगारी रूप दे। गुरुद्वारा बेर साहब बड़ी शानो शौकत दे नाल वही नदी दे कंडे ते बने होया है, और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दियां अगम्मी साखियां सुना रहे है। सहजे सहजे आखिर अवस्था इत्थे तक पहुंची कि भैनोई जय राम ने एक बच्ची देखी, मूले चौने खतरी दी लड़की सुलखनी, पक्खु के रंधावे बटाला रिच, रिश्ता पक्का हो गया, बरात चली, तृप्ता दीदी पाछा खिल गईया, पिता कालू दी भी कुछ उम्मीद बर आई, शायद गृहस्थी बनन तो बाद बाल बच्चे दार होने तो बाद एक घर दियां जिम्मेवारियां संभाले, और उपरामता शायद एक पासे होवे, शायद ए दुनियादार बने जो सारी दुनिया नू दीनदार बनाने लई आया है। पिता सोचदा है किवें ए दुनियादार बने। बरात चली, पर बरात दे च बरातियां दी थां ते कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई जोगी, कोई जंगम, कोई भगत, कोई प्रभु दे गीत गांदे जा रहे है, कोई प्रभु दा जाप जपदा होया जा रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह दी धुनी। इस तरह दी बरात रूहे जमीन ते पहली दफा जा रही थी, और पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी इस रूप दे च लाड़े दे रूप च पहली दफा जा रहे है। बटाले जद पहुंची ए बरात, मूले चौने खत्री ने जद साधु बराती देखे, भगत बराती देखे, जोगी बराती देखे, विहंगम बराती देखे, चिढ़ गया और सोचदा है मैं अपनी बच्ची दा भविष्य खराब कर लिया। मुंडा ते कोई साधु जापदा है, इते कोई त्यागी बैरागी जापदा है, इदे पल्ले मैं अपनी बच्ची बन दिती। डठी एक कलरी कंध दे थल्ले गुरु नानक दी मंजी डवाई, उत्थे बिठाया, और कंध बस हुणे गिरी के हुणे गिरी इस तरह सी, और मन दे च भाव भी उस मूले खतरी दे किसे कुल धक्का एक मरवावांगे, कंध गिर जाए, गुरु नानक दा अंत हो जाए, ताकि मेरी बच्ची एक साधु दे लड़ लगन तो बच जाए। एक रहम दिल बीबी लंगी, उन्हें आख्या बालक एक पासे हो जा, एक कंड डिगण वाली है। साहबां दे मुखार बिन तो निकलिया नहीं, एक कंड रहिंदी दुनिया तक साडे व्याह दी निशानी रहेगी, अज भी खड़ी है। गुरुद्वारा कंध साहब बड़ा अजीमुल शान बाबे बटाले च खड़ा है, और कंध भी उसे तरीके नाल खड़ी है, उन भावे शीशे जकड़िया गया है, व्याह दियां कहानियां पा रही है, व्याह दियां दास्ताना पा रही है। समा पा के आप दियां दो संताना होईयां, बाबा श्री चंद, बाबा लखमी दास। एक बिल्कुल उपराम बिरती दे मालक बाबा श्री चंद, एक राजयोगी। साहबा ने हुण चार उदासियां धारण कीतियां, पूरब पश्चिम उत्तर दक्कन जैसे चार कुंट ने, तो चारा ही कुंटा नु चुनिया। आप तीर्थां ते गए, खानकाहां दे च गए, डाकुआं कोल गए, योगियां कोल गए, हाजियां कोल गए, राजियां महाराजियां कोल गए,
जिथे जिथे भी आपने सोचा इथे लोड़ है, इथे लोड़ है, इथे धरती ज्यादा तपी हुई है, आप पहुंचे उस बदल दी तरह जो बरखा करदा होया लंघ रहा हुंदा है। रजब जी ने ठीक कह, नदी संत अर मेघला चले भयंगम चाल, रजब जय जय पग धर तें तें करत निहाल। वाकई ते बदल दी तरह बरस दे जांदे ने और जिथों लंघ गए निहाल कर दे जांदे ने, सब्जाजार छोड़ जांदे ने। आपने बनारस दे परहोतां नूं राजयोग दा मार्ग दसिया, आपने हरिद्वार दे पांदियां नूं वहम तो मात ते कर्म कांड दे जाल तो उच्चा उठण दा उपदेश दिता और आखिया ब्रह्म चिंतन करके ही कोई ब्राह्मण होंदा है, फोके कर्म कांड करके नहीं। ऐसे कर्म जो सिर दा बोझ बन जान, सुरत नूं गतिमान ना करन, गुरु नानक ने त्यागण बारे दस दिता। जैसे के कोई सूरज नूं पानी देंदा है, कोई पितरा नूं पानी देंदा है, गुरु नानक दूसरी तरफ खड़े होके पानी देन लगे ने, सारे हस पे, सारे कहन लगे सूरज ते इधर चढ़े है, तुसी मुखालफ सिमत दे पानी दे रहे हो। साहब कहन लगे की करा, मेरे खेत इधर ने, इस वास्ते मैं पानी दे रहा, थोड़े खेतां तक किस तरह पानी पहुंचेगा, जिवें थोड़े पितरां तक पहुंचेगा। ज्ञान करा दिता, सूझ करा दिती, समझ कराई, कौड़े राक्षस दा उदार कीता। सज्जन ठग नूं कहा, सज्जना सज्जन बन के ठगी ना कर, ठग बन के ठगी कर। मक्के दे हाजियां नूं संदेश दिता, खुदा व्यापक है, ते जद व्यापक है तो काफर कहना किसी नूं बनदा नहीं। सब खुदा दी खलकत है और सारा संसार खुदा दा घर है। दृष्टि मार के वेखो, सिर्फ मक्का ही खुदा दा घर नहीं, सारा संसार खुदा दा घर है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। इति सारे दा सारा संसार सच दी कोठड़ी है। इस तरह हर पासे उपदेश देंदे हुए, संदेश देंदे हुए आपने करतारपुर वसाया। आपदा भ्रमण गालबन 42,000 मील दा है और ये सारी यात्रा पैदल है। अफगानिस्तान, ईरान, रशिया, तमाम अरब देश, लंका, बर्मा, भूटान, तिब्बत, नेपाल और कुछ चीन दा इलाका, तमाम देशां विच गुरु नानक देव जी महाराज दे यादगारी स्थान मौजूद ने। जिवें सूरज दी कोई सीमा नहीं, उह सारी पृथ्वी नूं चानना देंदा है, इस तरह गुरु नानक दी रोशनी सीमा बद्ध नहीं सी, सांझे सन, सारियां दे सन। तदी ते मुसलमानां ने वली अल्लाह आख्या, तदी ते हिंदुआं ने गुरु नानक देव आख्या। अज ओ वक्त भी आ गया, जो आया सो चल सी, रुखसत होण लगे। करतारपुर दी घटना जगत दी झोली विच आत्मक संदेश पाके, जगत दे जीवां नूं प्रभु नाल जोड़ के, आप जोत करके लहणे विच लीन होए, शरीर करके तत्तां विच लीन होए। लेकिन मूर्ख लोगां ने फिर भी एक बखेड़ा खड़ा कीता है। मुस्लिम कहन लगे वली अल्लाह सन, असी दफन करना है। हिंदू कहन लगे ए गुरु नानक सन, असी दाह संस्कार करना है। इन्हां दे माता पिता हिंदू सन, ये हिंदू सन, तो झगड़ा खड़ा हो गया। आखिर फैसला इंज होया, चद्दर दे दो टुकड़े होए, एक ने कबर बनाई, एक ने मड़ी बनाई। रात नूं रावी दा पानी चढ़ के आया, कबर भी बह गई, मड़ी भी बह गई। भाई संतोख सिंह जी ने ठीक लिखे, बाबा मड़ी ना गोर, गुरु अंगद के हिये माए, पुन सत संगत और
निस दिन बस बोल मैं करूं। गुरु नानक मड़ी दे च नहीं है, गुरु नानक कबरां दे च नहीं है, उनु संगत दे च लबो, शब्द दे च लबो, गुरु अंगद देव जी दे हिरदे च लबो, वो ते एक व्यापक नूर, वो ते एक परम चानना, मड़ी च लब दे, जो मड़ी च पै जाए, वो दी ते फिर कुछ औकात नहीं, जो कबर दे च दफन हो जाए, वो ते वाकई दफन होन जो गई सी, नहीं, उस दे नूर नू कोई दफन नहीं कर सकदा, वो दे नूर नू कोई जला नहीं सकदा, वो ते व्यापक नूर, वो ते एक व्यापक जलवा सी, वो ते एक ऐसी शमा जो घर घर दे च जली, हर हिरदे जो है जली। मूर्ख लोगों ने जिस थां ते गुरु नानक दी चादर दे दो टुकड़े कीते, देश दे भी दो टुकड़े उत्थों ही होए। समूह जिंदगी गुरु नानक जोड़दे रहे, मूर्ख गुरु नानक दे सिद्धांत नूं तोड़दे रहे, जोड़न दी गल करदे रहे, घर विच रह के जोड़न दी गल करदे रहे, व्यापार करके जोड़न दी गल करदे रहे, खेती बाड़ी करके जोड़न दी गल करदे रहे। इस वास्ते आप राज योगी कव कल सो जस गाओ गुरु नानक राज जोग जिन माणिया। भट्टा ने भी कह दिता ऐसा जगत विच एक जोगी आया जो राज योगी है, संसार तो टुटिया नहीं, निरंकार नाल जुड़े आ रहे, परिवार दे विच रहे, करतार दे नाल बैठा रहे, व्यापार भी करदा रहे पर किरदार भी उच्चा रखे। और जो पत्नी मां बाप बच्चियां नूं खुश रखदा रहे, वो प्रभु दी खुशी भी लेंदा रहे, प्रभु दी खुशी भी लेंदा रहे, जगत दी झोली विच खुशियां वंडदा रहे। इस तरह दा एक रहबरी पुरुष जो शब्दां दे राही अपनी बाणी दे राही जगत नूं एक जोत दे गया है, एक अजीम चानना दे गया है, एक व्यापक रोशनी दे गया है, उस रोशनी तो हर बशर अज भी लाभ उठा रहा है और कईयां दे हिरदे मुनव्वर हो रहे ने, कईयां दे हिरदे रोशन हो रहे ने।